future of the state the topic for this session that in globalization the role of state is diminishing in control over social and economic spheres of life we all are agreed on this point that under the process of globalization state is slowly losing its control specifically on the social and economic spheres of life how जैसे जैसे दुनिया में तब्दीली आ रही है हम जानते हैं कि हम हमारी परचेजिंग पावर हमारा रहन सहन का तरीका जो है वो लिमिटेड नहीं रहा है अपने इलाके तक बल्कि अंडर इन्फ्लुएंस आ गया है हमसे बाहर की दुनिया छुपी हुई नहीं है हमारी चीज़ें हमारे हालात बाहर की दुनिया से छुपे हुए नहीं हैं सो द नेशन स्टेट विल बी रिप्लेस्ड बाय सुपर नेशनल स्टेट एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो नेशन स्टेट है ये कन्वर्ट हो जाएगी एक सुपर नेशनल नेशनल स्टेट के अंदर कि दुनिया जो है वो इकट्ठी हो जाएगी और फिर सब लोग जो हैं वो बॉर्डर्स की टेंशन नहीं लेंगे बल्कि बॉर्डर से बाहर जो है वो आपस में ऐसा ताल्लुक़ बन जाएगा कि जहाँ पर कॉमन हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें और जिस तरफ टेक्नोलॉजिकल एडवासमेंट जा रही है जितनी स्पीड से कम्युनिकेशन में तब्दीली आ रही है स्पीडअप हो रही है कम्युनिकेशन वर्चुअल लर्निंग पर फोकस हो रहा है और ऑनलाइन जो लर्निंग है उसकी तरफ ट्रेंड जा रहा है तो यूँ लगता है कि बहुत जल्दी जो स्टेट का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था उसकी बजाय वाक़ता शायद सुपर नेशनल स्टेट जो है हम उसकी तरफ जा रहे हैं ऐसे ही जो द राइज ऑफ ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड दिस प्रोसेस विल विकन द नेशन स्टेट मैनी पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट दे आर एग्री ऑन दिस परसपेक्टिव दैट डेफिनेटली नाउ द वर्ल्ड नेचर ऑफ द वॉर इज ऑल्सो अंडर चेंज अब दुनिया में लड़ाइयाँ जो हैं वो एक मुल्क की बजाय नेटो के प्लेटफॉर्म पर यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म से हो रही हैं तो अगर स्टेट जो है वो अकेले की बजाय सिंगल स्टेट की बजाय अब अगर कॉन्फ्लिक्ट में भी पार्टीज इकट्ठी होकर फेस रही हैं सिचुएशन को हमने वॉर ऑन टेरर में देखा कि दुनिया ने इकट्ठे होकर समझा कि वो उस एक अन नोन अनसिन एनिमी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे जो कि कहीं पर चीज़ें कामयाब होती हुई नज़र आईं और कहीं पर जो है वो हमें उसमें भी और फर्दर इश्यूज जो हैं वो नज़र आए तो लेकिन इस पे कंसर्न है वो ये है कि जो इकनॉमिक रिसोर्स ऑफ अ स्टेट है हु रन दोज रिसोर्स एंड हु डिसाइड द सोशल पैटर्नस ऑफ लाइफ ठीक है नेशन स्टेट अपनी इम्पोर्टेंस खो देगी तो फिर जो हमारा कल्चर है जो हमारी आइडेंटिटी है हमारी पहचान है उसको कौन कंट्रोल करेगा डेफिनेटली ये बहुत बड़ा सवाल है और जिसके पास रिसोर्स होंगे क्या वो कंट्रोल करेगा यहाँ पर आगे पोलिटिकल सोशोलॉजिस्ट जो हैं उनके अपने कंसर्न्स हैं वो उनका ये ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ये फिर बेस बनेगी ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है कॉपरेशन की हद तक चीज़ें चल रही हैं आगे बढ़ रही हैं नेशन स्टेट को थ्रेट्स हैं लेकिन हमने ये देखा कि जब कोविड का थ्रेट आया तो कैसे दोबारा से जो ट्रैवलिंग थी वो बैन हो गई स्टेट बॉर्डर्स जो थे वो इम्पॉर्टेंट हो गए तो हम ये समझ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी अनसर्टन या अनसीन जो डेवलपमेंट्स हैं उसको उस उन प्रोसेस की बेस पर वी कैन क्लेम दैट नेशन स्टेट्स आर स्टिल रेलिवेंट ऑल दो देर आर मैनी चेंजेस प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली

उसकी अहमियत हम उनसे पूछ सकते हैं जिनके पास अपनी स्टेट नहीं है और वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सारी दुनिया के खत्ों के अंदर हम फलस्तनीों की एग्जाम्पल दे सकते हैं वी कैन टॉक अबाउट द कश्मीरीज दैट हाउ मच दे आर सफरिंग विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ देयर ओन स्टेट और आइडेंटिटी ठीक है ना स्टेट आइडेंटिटी ना होने से जो उनकी सफरिंग्स के लिस्ट है वो हमें ये बताती है कि जो फ्यूचर ऑफ स्टेट है वो कुछ लोगों का जो ख्याल है कि वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है कुछ जगहों पर हमें नज़र आता है लेकिन अल्टीमेटली एवरी वन इज़ कॉन्शियस अबाउट द आइडेंटिटी एंड एंटिटी सो वी कैन से दैट ऑल्दो देर आर सम नॉन स्टेट एक्टर्स organizations they are uh, important they are performing their duties so uh, the future of the state although there are many questions but still state is relevant